अमरीका ने पाकिस्तान में गजाई किल्लत का शिकार हज़ारों बच्चों के लिए गजाई इमदाद यूनिसेफ के हवाले कर दी है। मजीद जान लेते हैं सलाउद्दीन से। जी सलाउद्दीन। देखिए बिल्कुल, यहाँ पोर्ट कासिम में शादा प्रवकार तकरीब हुई जिसमें अमरीकी सफीर ने खिताब करते हुए कहा कि ये मेरे लिए एजाज की बात है कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं अमरीकी हुकूमत की जानिब से ये इमदाद तकसीम कर रहा हूँ। ये इमदाद सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए, पाकिस्तान के साथ अमरीका पहले दिन से इमदादी सरगर्मियों में शामिल है। हमने राशन मेडिकल समेत साफ पानी और छोटे बच्चों की बेहतर सेहत के लिए सामान आ दिया गया है। जबकि तकरीब से खिताब करते वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि ARUTF की तकसीम सिंध और बलूचिस्तान के लोगों के लिए कारामद होगी। सैलाब ने सिंध और बलूचिस्तान के लोगों की जिंदगियां तबाह करके रख दी थी, खुसूसतर खवातीन व बच्चे गजाई किल्लत का शिकार हो गए थे। यूनिसेफ का शुक्रिया और ARUEF की तकसीम का भी जो है उन्होंने कहा कि ये बेड़ा उठाया है। तो ये एक बड़ा एक अहम दिन था अमरीकी हुकूमत की जानिब से जो आज इमदादी सामान तकसीम किया गया यूनिसेफ के हवाले से। बहुत शुक्रिया।